आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमें, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। इफ चार्ज डेंसिटी ऑफ स्क्वायर प्लेट इज सिग्मा इक्वल एक्स वाई, देन टोटल चार्ज ऑन द प्लेट विल बी। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्क्वायर प्लेट है कुछ ऐसा जिसका साइड लेंथ क्या ए है, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये ओरिजिन है। अगर ये हो जाएगा ए बाई टू कॉमा जीरो, जीरो कॉमा ए बाई टू, जीरो कॉमा माइनस ए बाई टू और माइनस ए बाई टू कॉमा जीरो, ठीक है। और दिया हुआ इसका सिग्मा जो है, सिग्मा इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो हम लोग को निकालना नेट चार्ज स्क्वायर प्लेट पे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे एक्स इंटू वाई क्या है। देखिए यहाँ पे जो एक्स इंटू वाई है, फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स हम लोग का पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यानी कि सिग्मा जो होगा वो होगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई आपका पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना नेट चार्ज इस सिस्टम का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देखिए एलिमेंटल पार्ट लेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। ये स्क्वायर अगर है तो एट अ हाइट वाई, ये वाई हाइट पे एक्स डिस्टेंस जाते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। एक्स तो ये हो जाएगा एक्स कॉमा जीरो, तो यहाँ पे डी एक्स विड्थ का, ठीक है। डी वाई पे ये डी वाई है और ये क्या हो जाएगा, जो हाइट है ये क्या है, वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट का एरिया क्या है, डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। तो इसके एरिया क्या हो गया, डी एक्स इंटू डी वाई। अब जो होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो हम लोग को अगर निकालना है थोड़ा सा चार्ज का, एलिमेंटल चार्ज डी क्यू, इसका डी क्यू निकालना है, तो क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स टाइम्स डी वाई, ये डी क्यू हो गया। तो यहाँ से नेट डी क्यू क्या हो जाएगा, नेट डी क्यू जो हो जाएगा हम लोग का चार्ज हो जाएगा इंटीग्रल डी क्यू। देखिए अब ये जो इस पर जो चार्ज है वो डी ऑफ डी क्यू है, ठीक है। डी क्यू एक्चुअली ये वाला चार्ज है, पूरा डी क्यू ये है, तो ये डी ऑफ डी क्यू है। तो ये क्या है, डी ऑफ डी क्यू। तो हम लोग को जो निकालते हैं हम लोग डी क्यू, ठीक है। डी क्यू क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी ऑफ डी क्यू का इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि y को कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। सो कीपिंग y कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, y बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, यहाँ पे x dx हो जाएगा और ये dy, तो ये हो जाता है dq, ठीक है। अब x कहाँ से कहाँ तक चेंज करा हम लोग का, x है माइनस ए बाई टू से ए बाई टू तक, ठीक है। तो dq क्या हो जाता है हम लोग का, यहाँ से dq इज इक्वल टू y इंटू डी वाई इंटू इंटीग्रल एक्स डी का एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी माइनस ए बाई टू से ए बाई टू तक, ठीक है। ये एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक्स होगा हम लोग का माइनस ए बाई टू, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वाई भी लिखते हैं हम लोग, तो एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो माइनस वाई बाई माइनस ए बाई टू ही होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग y इंटू डी वाई ए बाई टू का स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ ए बाई टू का स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या होता है, जीरो आता है, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो डी क्यू इज इक्वल जीरो मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो x एक्सिस के इस तरफ यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो नेट चार्ज, सिंपल बात देख के भी हम लोग यहाँ से पता चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा वो भी वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, और दोनों का एडअप हो गया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो एलिमेंटल जो चार्ज है वो जीरो है। तो उसी तरह से लोग इसका जो स्ट्रिप लेते आते हैं, अलग अलग स्ट्रिप लेते आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि पूरा स्क्वायर फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो सब जीरो ही है, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन करते हैं इसका डी क्यू का, वो क्या होता है, जीरो का इंटीग्रेशन, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट होगा।
जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन हम लोग ऐसा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट होगा यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, तो इन दोनों का एडअप क्या हो गया, जीरो हो गया, और इस कोऑर्डिनेट का जो चार्ज है वो इस कोऑर्डिनेट के चार्ज के बराबर है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो का सम होके तो जो नेट चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करने बोला गया था द टोटल चार्ज ऑन द प्लेट विल बी जीरो कूलम्ब। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।